आदाब, नमस्कार। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आजकल मैं आपको जनाब साहिल लुधियानवी की किताब नए अदब के मेमार देवेंद्र सत्यार्थी सुना रहा हूं। आज इस किताब की दूसरी किस्त सुनिए। दूसरी किस्त। गाड़ी मुसाफिरों से खचाखच भरी हुई थी और कहीं तिल तक धरने की जगह नहीं थी। बहुत से लोग बाहर पायदानों पर लटक रहे थे और वो जिन्हें पायदानों पर भी जगह नहीं मिली थी गाड़ी की छत पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। सिर्फ फौजी डब्बों में जगह थी लेकिन उनमें गैर फौजी सवार नहीं हो सकते थे। अब क्या किया जाए, मैंने सत्यार्थी से पूछा। ठहरो, मैं किसी सिपाही से बात करता हूं। वो बोला, कुछ फायदा नहीं। मैंने कहा, वो जगह नहीं देंगे। ये तुम आओ तो सही। वो मुझे बाजू से घसीटते हुए बोला और जाकर एक फौजी से कहने लगा, मैं शायर हूं, लायलपुर जाना चाहता हूं, आप मुझे अपने डब्बे में बिठा लीजिए, मैं राह में आपको गीत सुनाऊंगा। नहीं नहीं, हमको गीत वीत कुछ नहीं चाहिए। डब्बे में बैठे हुए सिपाही ने जोर से हाथ झटकते हुए कहा, क्या मांगता है? एक दूसरे फौजी ने अपनी सीट पर से उठते हुए तीसरे फौजी से पूछा। तीसरे फौजी ने बंगाली जबान में उसे कुछ जवाब दिया। मैं सचमुच शायर हूं, सत्यार्थी ने कहा, मुझे सब जबानें आती हैं। और फिर वो बंगाली बोलने लगा। फौजी सिपाही हैरत से उसका मुंह तकने लगे। तामिल जानता है? एक नाटे कद के स्याह फाम फौजी ने डब्बे की खिड़की में से सर निकालकर उससे पूछा। तमिल, मराठी, गुजराती, पंजाबी सब जानता हूं, सत्यार्थी ने कहा। आपको सब जबानों में गीत सुनाऊंगा। अच्छा, तमिल सिपाही ने कहा। हां, सत्यार्थी बोला और तमिल में उससे बातें करने लगा। इतने में इंजन ने सीटी दे दी। तो क्या मैं अंदर आ जाऊं, सत्यार्थी ने पूछा। दरवाजे के करीब बैठा हुआ फौजी कुछ सोचने लगा। गीत पसंद ना आए तो अगले स्टेशन पर उतार देना, सत्यार्थी बोला। फौजी हंस पड़ा और बोला, आ जाओ। सत्यार्थी मेरे हाथ से अटैची लेकर जल्दी से अंदर घुस गया। मैं डब्बे के सामने बुत बना खड़ा रहा। आओ आओ, चले आओ, सत्यार्थी ने सीट पर जगह बनाते हुए दोनों हाथों के इशारों से मुझसे कहा। फौजियों ने घूरकर मेरी तरफ देखा। मैं दो कदम पीछे हट गया। ये भी शायर है, सत्यार्थी बोला, ये भी गीत सुनाएगा। हम दोनों गीत सुनाएंगे। सिपाहियों ने मुझे सर से पैर तक गौर से देखा। मालूम होता था कि उन्हें मेरे शायर होने का यकीन नहीं आ रहा। गालिबन वो सोच रहे थे कि ये 23-24 साल का छोकरा वही चीज क्यों कर हो सकता है जो ये लंबी दाढ़ी वाला सन्यासी है। तुम भी सब जबाने जानते हो, एक फौजी ने दरवाजा खोलते हुए मुझसे पूछा। नहीं, मैंने जवाब दिया। उसने कुछ इस अंदाज से कहा जैसे कह रहा हो, फिर तुम क्या जानते हो, फिर तुम्हारा क्या फायदा है। मैं सत्यार्थी के साथ की सीट पर बैठ गया। जब ट्रेन चल पड़ी तो मैंने सत्यार्थी से कहा, मैं अगले स्टेशन पर उतर जाऊंगा। लेकिन उतर कर जाओगे किस डब्बे में, वो बोला। मैं खामोश हो गया।
सिपाही बड़े इश्तियाक और दिलचस्पी से सत्यार्थी के साथ बातें करने लगे। सत्यार्थी बड़े प्यार के साथ उनके गांव, गांव के करीब बहती हुई नदियों, नदियों के किनारे लहलाते हुए खेतों, रस्मों, त्योहारों की बातें करता रहा, जैसे वो उन सबको जानता हो, उन्हीं में से एक हो। और जब बातें खत्म हो गईं, तो सत्यार्थी उन्हें गीत सुनाने लगा। सिपाही उससे मुतासर हुए। सत्यार्थी ने कहा, लय के बिना गीत का मजा आधा रह जाता है, फिर भी मुझको इस वक्त जितने गीत याद आए मैंने आपको सुना दिए। अब आप लोगों में से जिसको गाना आता हो वो गाकर सुनाए। तमिल सिपाही ने कहा, मैं गाना जानता हूं, बोलो कौन सा गीत सुनोगे। अब यहां तमिल उर्दू में लिखी हुई है तो मुझे नहीं मालूम मेरे तलफ़ुज़ सही होंगे गलत होंगे, जैसा यहां मुझे उर्दू में दिखाई दे रहा है मैं वैसा पढ़ रहा हूं, मुझे माफ कीजिएगा। कोड़ी दा कादाली, सत्यार्थी बोला, मिलकर फंसो मछलियों, उस डब्बे में जहां हर सूबे के फौजी जमा हैं, इससे मौजू और कोई गीत नहीं हो सकता। क्या मतलब, तमिल सिपाही ने पूछा। क्या हम मछलियां हैं, पंजाबी सिपाही चिल्लाया। गुस्सा मत करो मेरे दोस्त, सत्यार्थी ने उसी तहम्मुल और इत्मीनान से कहा, हम सब मछलियां हैं, तुम बंदूक वाली मछली हो, मैं दाढ़ी वाली मछली हूं। सिपाही हंसने लगे, और हम सब मछेरों के जाल में फंसे हुए हैं, सत्यार्थी ने कहा। सिपाही फिर संजीदा हो गए। ट्रेन तेजी से भागी जा रही थी, बाहर चारों तरफ गहरा अंधेरा था और उस अंधेरे में इक्का दुक्का तारे जगमगा रहे थे। सिपाहियों ने हमें सोने के लिए जगह बना दी और कहा, आप लोग आराम कीजिए, सुबह हम आपको जगा देंगे। अगले दिन जब हम उन साहब के मकान पर पहुंचे जिनसे मुझे मिलना था, तो वो घर पर नहीं थे। मालूम हुआ कि आज एक मुकामी मजिस्ट्रेट के यहां उनकी दावत है। वो मजिस्ट्रेट मुझे भी जानते थे, इसलिए हम लोग सीधे वहीं चले गए। बातों बातों में सत्यार्थी ने बताया कि वो झूमर नाच की तस्वीर लेना चाहता है। मजिस्ट्रेट साहब ने कहा, आजकल तो किसान फसल काट रहे हैं, नाच छोड़, उन्हें दम लेने की भी फुर्सत नहीं। फिर सत्यार्थी बोला, मैं तो बड़ी आस लेकर आया था। मजिस्ट्रेट साहब खामोश हो गए। जब हम चलने लगे तो उन्होंने सत्यार्थी को रोककर कहा, आप जरूर तस्वीर लेना चाहते हैं? हाँ, सत्यार्थी ने कहा। अच्छा, तो कल 2 बजे के करीब आप थाने में तशरीफ लाइए, मैं बंदोबस्त कर दूंगा। थाने में? सत्यार्थी ने हैरत से मेरी तरफ घूरते हुए कहा। हाँ हाँ, हम थाने के कुछ सिपाही भेजकर 10-20 किसानों को जो नाचना जानते हो चौकी पर बुला लेंगे, आप जी भर के तस्वीर ले लीजिएगा। जी नहीं, आप तकलीफ ना कीजिए, मैं फिर कभी आ जाऊंगा, सत्यार्थी बोला। थानेदार के सामने भला किसान खाक नाचेंगे? अगले दिन हम लोग वहां से लौट आए। रास्ते भर सत्यार्थी मजिस्ट्रेट की तजवीज पर हंसता रहा।
तो ये थी किताब नए अदब के मेमार देवेंद्र सत्यार्थी की दूसरी किस्त। कल फिर आऊंगा, आपको इसकी अगली किस्त सुनाऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, आदाब।